गाइस हम आईपीएल फ्री में देखते हैं, बहुत सारी क्रिकेट मैच हम लाइव बिल्कुल फ्री में देखते हैं, आप कोपा अमेरिका यूरो कप बिल्कुल फ्री में देखे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप आपकी फ्री टू एयर पे ही सारे ओलंपिक गेम आपको बिल्कुल फ्री पे देखने को मिल जाए। तो गाइस ये कैसा संभव होगा इसके बारे में आज की वीडियो पे हम बात करेंगे। तो गाइस ये आप केवी बैंड पे भी मिलेगा, सी बैंड पे भी मिलेगा। तो अगर आपको केवी बैंड पे देखना है तो कोई बात नहीं, आप केवी बैंड पे भी ओलंपिक मैचेस आप लाइव देख सकते हो। तो गाइस हम आपको कुछ चैनल के नाम बताएंगे और उसके साथ साथ हम उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन देंगे, जिस पे आपको बहुत आसान होगी ये सब कुछ समझने में। तो गाइस आज की वीडियो पे हम ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो आज यानी आज 22 जुलाई है, तो आज से ही सारी ओलंपिक गेम देखने को मिलेगा। और पहले हम बात कर लेते हैं आपकी डीडी फ्री डिश पे भी ओलंपिक गेम देखने को मिलेगा, लेकिन एक साथ कई सारे इवेंट चलेगा तो आपको सारी मैचेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडिया की ही कुछ मैचेस आपको यहाँ पे देख डीडी स्पोर्ट्स पे देखने को मिलेगा। और उसके साथ अगर आपको फुटबॉल मैचेस देखना है, ओलंपिक की जो फुटबॉल मैचेस है और बाकी जितने भी इवेंट्स है वो आपको देखना है, तो आपको अलग अलग चैनल को ट्रैक करना होगा, यानी अलग अलग चैनल आपके पास होना चाहिए, सिर्फ डीडी फ्री डिश पे आपको काम नहीं चलेगा। डीडी फ्री डिश आपकी केवी बैंड पे है और हम आपको बहुत सारी चैनल की हम यहाँ पर नाम बता रहे हैं जो आपको केवी बैंड पे यानी छोटे 2 फीट 10 फीट डिश पे अंदर ही आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री पे, जैसे कि टी स्पोर्ट्स, वो हम आपको चला के दिखाएंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिए, टीवी पे चल रही है, वहाँ पे शो आ चुका है ऑलरेडी। ओके, टी स्पोर्ट्स ट्रू फॉर यू नाम का एक चैनल है, ये सब कुछ ये सभी चैनल आपको एक ही सैटेलाइट से मिल रही है। ओके, PPTV HD, NBT, ये दोनों आप पहले से ही इनके बारे में आप जानते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको यूरो कप और कोपा अमेरिका की मैचेस आपको लाइव देखने को मिलता था फुल एच डी पे। और थाई PBS 3 नाम का एक चैनल, GMM 25 नाम का एक चैनल। ओके, तो ये सब चैनल से आपको मिलेगा, तो इनमें से आपको टी स्पोर्ट्स, ट्रू फॉर यू और PPTV HD, ये तीन चैनल आपको केवी बैंड पे देखने को मिलता है थाईकॉम 8 से। ओके, तो थाईकॉम 8 की जो केवी बैंड कवरेज है उसके अंदर अगर है आप तो आप इन चैनलों को आप ट्रैक कर सकते हो, एक ही सैटेलाइट पे मिल जाएगी और अलग अलग टाइम पे आप यहाँ पे बहुत सारी ओलंपिक के मैचेस आप 2 फीट पे ही ट्रैक करके देख सकते हो। हमारे इस एरिया से तो यानी इंडिया के पूर्वी पार्ट से यहाँ से हमें 2 फीट पे ही मिलते हैं, और अगर आप बाहर है वहाँ पे आपको केवी बैंड पे संभव नहीं है तो आप सी बैंड लगा लीजिए, तो आपको 5 से 8 फीट का अंदर आ जाएगी PPTV HD, NBT TV HD। ओके, और ये बाकी सारे जो टी स्पोर्ट्स भी आपको मिलेगा, थाईकॉम 5 6 ये सी बैंड की है और थाईकॉम 8 के इवेंट की है। ओके, और ये दोनों सैटेलाइट एक ही लोकेशन पे है 78 डिग्री ईस्ट, और यहाँ से आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स के चैनल देखने को मिल जाते, और कई सारे चैनल होगी जो फीड चैनल होगी उसके बारे में बाद में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नेक्स्ट हम जरूर वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको थाईकॉम के इवेंट की सेट नहीं हो रही है उसके बारे में आपको जानना है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम थाईकॉम 8 की एक इवेंट सेटिंग्स 2 फीट पर बना के आपको देंगे। तो गाइस चलिए हम टीवी पे जाए, तो गाइस फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो टी स्पोर्ट्स चल रही है। ओके, तो यहाँ पे ओलंपिक की मैच लाइव आपको दिखाई देगा और इसकी कमेंट्री शुरू हो गए है यहाँ पे, और कुछ हाईलाइट यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ओके, तो टी स्पोर्ट्स डीडी स्पोर्ट्स तो आपको मिल ही रही है के इवेंट पे, तो इसके साथ साथ मैंने जितने भी चैनल बताया वो आप देख पाएंगे। सी बैंड के इवेंट आपके पास जो डिश अवेलेबल है उसी पे ही आप देख पाएंगे, और कई सारे सैटेलाइट के अपडेट जरूर आएगी। तो गाइस बने रहिएगा मेरे इस चैनल के साथ और यहाँ पे आप टीवी भी नोट कर सकते हो। तो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।